क्या आप जानते हो कि अगर कोई किसी पेड़ के बीज को बोकर रोजाना ही उसको जमीन से बाहर निकाल निकाल कर देखता रहे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, सारी दुनिया के बीज से पौधे निकल सकते हैं, लेकिन ऐसे इंसान का बीज कभी भी पेड़ में बदल पाएगा? ऐसा होना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि इस व्यक्ति को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत थी। और इसी के बारे में यह कर्म का 11वां सिद्धांत कुछ कीमती बातें बताता है। इसलिए अब अगर इस सिद्धांत की बात करें तो यह यही कहता है, जितने भी कीमती रिवार्ड किसी को भी मिलते हैं, वे सब के सब बहुत बड़े पेशेंस की डिमांड करते हैं। इसलिए जो लोग पेशेंस रखते हैं उनको ही सबसे बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि वे ही उस अंधे की शक्ति में बिलीव करते हैं जो उनके लिए सबसे बेहतर रिजल्ट लेकर आएगी ही आएगी। लेकिन इस जगह एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, चलो इसको भी आज सॉल्व कर ही लेते हैं, जिसकी वजह से ही मेजोरिटी ऑफ पीपल पेशेंस को गलत तरीके से ही डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट टॉपर बनने का ख्याल मन में पालकर केवल बुक का एक चैप्टर ही पढ़कर पेशेंस करने यह सोचकर बैठ जाए कि उसका रिजल्ट इसके दम पर ही टॉपर वाला आएगा, क्योंकि वह पेशेंस तो कर ही रहा है और उसने हमेशा ही सुना है सब्र का फल मीठा ही होता है। जबकि कहावत तो दूसरे मायने में ठीक है, लेकिन इस स्टूडेंट के रिजल्ट का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं कि इस स्टूडेंट के साथ क्या होने वाला है। जबकि जिस भी स्टूडेंट को टॉपर बनना हो तो उसका पेशेंस इस बात से डिसाइड होगा कि वह कितनी शिद्दत के साथ स्टडी करता है, क्योंकि जिस तरह के पेशेंस और रिवार्ड की यह सिद्धांत बात करता है, वह यही कहता है कि अगर आपको किसी मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते पर चलने में ही मजा नहीं आ रहा है तो आपका पेशेंस भी किसी काम का नहीं है, वह भी आखिर में टाइम वेस्ट ही आपके लिए सिद्ध होने वाला है। इसलिए अगर आप भी इस कर्म के सिद्धांत को सही से अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको अपनी मंजिल की यात्रा में एंजॉय आ रहा है तो आपके लिए पेशेंस जैसा ना तो कोई वर्ड है और ना ही आपके लिए इसके कोई मायने हैं, क्योंकि अब आप अपने रास्ते को भी ऐसे ही एंजॉय कर रहे होते हैं जैसा कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच कर करने वाले हैं, और इसी की बदौलत आपका रिवार्ड भी कमाल का ही होने वाला है। और रही बात इस पेशेंस वाले वर्ड की, तो इस शब्द का यूज लोग तब करते हैं जब वे कुछ बड़ा अपना मनचाहा अचीव कर लेते हैं, वे भी दूसरों को बताने के लिए, जबकि हकीकत में तो उनको अपने टाइम के गुजरने का पता भी नहीं चलता है और वे इस पेशेंस वाले टाइम को भी इंजॉय ही कर रहे होते हैं। और जिसके साथ ऐसा अभी भी हो रहा है तो वे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वे एक दिन बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे जहां के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना है, क्योंकि उनके रिवार्ड उनका इंतजार कर रहे हैं। और अब अगर अगले कर्म के सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत यही कहता है कि आपको क्या रिवार्ड के रूप में मिलेगा वह आपके द्वारा इन्वेस्ट की गई मेहनत, एनर्जी और प्रयासों की मात्रा पर ही पूरी तरह से डिपेंड करता है, जो कि इनडायरेक्ट रूप से यही कहता है कि आपका आलसी होना बिल्कुल मना है अगर आप भी कुछ बड़ा सा अचीव करना चाहते हैं तो, क्योंकि जितना ज्यादा आप एफर्ट और एनर्जी किसी चीज को मैनिफेस्ट करने में इन्वेस्ट करोगे वह उतना ही जल्दी आपको मिल जाएगी और आपका बहुत सा टाइम भी दूसरी चीजों के लिए बच सकता है जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं।